हेलो मैजिकल माइंड डियर, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबर लॉ। और लेबर लॉ में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की। तो डियर, आप देखोगे कि इंडिया में हमारा जो लेबर लॉ है वो बहुत पुराना है, काफी टाइम पहले बनाया गया था। लेकिन अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करें तो लेबर लॉ पे ध्यान बहुत कम दिया जाता है और अमेंडमेंट्स जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो अमेंडमेंट्स भी बहुत कम आते हैं लेबर लॉ में। जबकि आपने देखा होगा जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो इसमें चेंजेस लाना चाहते थे लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा था कि वो भी इसमें चेंजेस नहीं ला पाए। और आपको पता है लेबर लॉ किसकी बात करता है, लेबर्स की बात करता है, यानी कि गरीबों की बात करता है। तो उनको शुरुआत से ही क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनकी सेफ्टी के लिए लॉ बनाया गया था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल ग्राउंड में इसमें चेंजेस बहुत कम आते हैं, जबकि लेबर लॉ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आज भी हम एक फैक्ट्रीज एक्ट, एक पुराना एक्ट पढ़ने जा रहे हैं 1948। ठीक है, आप कह सकते हो कि लेबर लॉज में हम गरीबों का जो कानून है, गरीबों के लिए जो कानून है, क्योंकि लेबर है ऑब्वियस सी बात है वो गरीब की कैटेगरी में आता है, उसके कानून, उसके लिए जो कानून बनाया गया उसको पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जनरली हम देखते हैं, आए दिन हम देखते हैं कंपनीज एक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, सेबी से रिलेटेड एक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन लेबर लॉ की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आपके सिलेबस में लेबर लॉ डाला गया है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे जो कि आपके लेबर से रिलेटेड है। तो फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या यहां पर चार दीवारी की बात की जा रही है? चार दीवारी में जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि चार दीवार है, उसके ऊपर एक नीला सा ऐसे ऐसे जिगजैग करता हुआ शेड लगा हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन में पिक्चर दिख रही है, फैक्ट्री से कुछ क्या है धुआं निकल रहा है, ऐसा अगर कोई प्रमाइसेस होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, फैक्ट्री। तो क्या फैक्ट्रीज एक्ट केवल फैक्ट्री से, फैक्ट्री बिल्डिंग एक बेजान चीज से रिलेटेड है? नहीं डियर, ऐसा नहीं है। यहां पर फैक्ट्रीज एक्ट जो नाम है, ठीक है, फैक्ट्री के रिगार्डिंग एक्ट, यानी कि उनमें काम करने वाले लेबर के रिगार्डिंग जो एक्ट है वो यहां पर उसकी बात की जा रही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट में क्या चीजें बताई गई और क्या चीजें कही गई। यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्यों आया, एनेक्टेड टू रेगुलेट द वर्किंग conditions इन फैक्ट्रीज। डियर, आपको मालूम है कि मजदूर वर्कर कहां काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें दो अप्रोचेस की बात की जाती है, एक प्रिवेंटिव और एक प्रोटेक्टिव। अभी इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर देखिए, वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, जो मालिक है वो वर्कर से ओवर टाइम भी करवाता है, एक्स्ट्रा काम भी करवाता है, उसको पेमेंट भी बहुत कम दे रहा है, जहां फैसिलिटीज उसके लिए नहीं है, उसके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया जा रहा है, जिस प्रोसेस में उसको काम करवाया जा रहा है उस प्रोसेस से उसकी हेल्थ को नुकसान हो रहा है, वहां गंदगी है फैक्ट्री प्रमाइसेस में, उसको खाने के लिए कैंटीन फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं है, अगर उसको मशीन के थ्रू कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो वहां जो मेडिकल हेल्प होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, मेडिसिन का जो अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, मेडिकल किट का अरेंजमेंट होना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं है। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा लेबर को क्या किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, राइट। उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए, ताकि जो भी फैक्ट्री में लेबर के काम करने की जगह पर, वर्कर के काम करने की जगह पर जो वर्किंग कंडीशंस हैं,
जहां पे वो पर्सन काम कर रहा है वहां का एनवायरनमेंट एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, उसको अच्छे लोकेशन अच्छे प्रेमाइसेस में जो है वो वर्कर से काम करवाया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा फॉरेन में, आप फूड फॉरेन में जो फैक्ट्रीज होती है आपने देखा होगा नेट जियो वगैरह में फूड फैक्ट्री वगैरह का आता है तो आपने देखा होगा वहां प्रेमाइसेस एक बड़ा सा अच्छा सा होता है, टीन होता है, ठीक है। और आप यहां पे चले जाइए, आप वजीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया जो दिल्ली का है वहां चले जाइए, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है वहां चले जाइए, आप खुद वहां 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते हैं। कभी कभी इतना पॉल्यूशन होता है, ऐसी ऐसी स्मेल्स आती हैं कि हम वहां 5 या 10 मिनट भी क्या है खड़े नहीं रह पाते हैं। लेकिन वो जो मजदूर है जो वर्कर है वो वहां पर दिन भर काम कर रहा है, अपने उसकी आमदनी का जरिया वही है, वो वहां पे काम करने के लिए मजबूर है। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है ना कि उसको एक अच्छी कंडीशन वर्किंग कंडीशन मिलना उसका राइट है? तो इसलिए ये जो कानून है ये एक्ट जो है वो बनाए गए। खैर इंडिया में अगर लेबर लॉ की बात करें तो बनाया तो गया है लॉ, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप देखेंगे कि इन लॉस का इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है, समझ रहे हैं? तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है। तो इन्होंने यही कहा कि जो फैक्ट्री एक्ट है वो क्यों लाया गया, वो इसलिए लाया गया टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस इन फैक्ट्रीज। ये एक्ट जो है पूरे इंडिया में लागू होता है, पूरे इंडिया में लागू होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यह एक्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होता है। सारे टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ये क्या करता है, कवर करता है। एस्टैब्लिशमेंट अभी हम देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एम में दी हुई है, इसको कवर करता है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कोई सेपरेट एक्ट कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्री हो, उनकी फैक्ट्रीज में भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। आपका सेक्शन 116 ये बोलता है कि अगर कोई फैक्ट्री, जब तक और कोई एक्ट कोई अलग बात नहीं बोलता है, अगर फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है तो वहां पर भी ये एक्ट क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आप देख रहे हैं पूरे इंडिया में जो है ये इफेक्ट में आई 1 अप्रैल 1949 से, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत कम मिलती है, क्योंकि यहां इतने स्ट्रिक्टली लॉ का इंप्लीमेंटेशन नहीं करवाया जाता है, राइट। तो यहां पर एक चीज और है कि स्टेट गवर्नमेंट को यह जिम्मेदारी दी गई थी, ये जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट की है कि वो देखे कि उसके एरिया में ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो सही से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन क्या है। ये पूरी जिम्मेदारी किसको दी गई थी, स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। आगे हम देखते हैं, यहां पर एक जजमेंट आया एक्ट के ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। आपको मालूम है जनरली, अभी मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम लॉ देखोगे जिसमें आपको लॉ का नाम पढ़ते ही उसके ऑब्जेक्ट के बारे में पता लग जाता है। और अभी मैंने आपको क्लियर भी किया कि यहां फैक्ट्रीज एक्ट का मतलब ये नहीं है कि केवल हम फैक्ट्री की चार दीवारी की या बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर के बारे में यहां जो कानून बनाया गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट आया रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें कोर्ट ने बकायदा ये चीज बताई कि फैक्ट्रीज एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए यहां पे जजमेंट में क्या बोला गया कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है ये एक सोशल लेजिस्लेशन है। आपको पता है सब सिविल लॉ है, ठीक है, जो भी आप फैक्ट्रीज एक्ट लेबर लॉ की बात कर रहे हैं ये सब हमारा क्या है, सिविल लॉ है।
तो यहां पे इन्होंने बोला कि फैक्ट्रीज एक्ट इज अ सोशल लेजिस्लेशन एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। यानी कि वर्कर की हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य अभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा होता है जिससे उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी जो है वहां पे सेफ्टी मेजर्स नहीं है, सपोज फैक्ट्री में कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है, उसको हेलमेट सपोज वर्कर को दिया जाना वहां पे कंपलसरी होना चाहिए, अब वहां पे कंपलसरी नहीं, मतलब कि उसको हेलमेट नहीं दिया जा रहा है जबकि प्रोसेस ऐसा है कि उसके पास हेलमेट होना चाहिए, तो इसका मतलब सेफ्टी का ध्यान नहीं किया जा रहा है, उसके वेलफेयर कल्याण की बात नहीं की जा रही है या अदर एस्पेक्ट के बारे में यहां पर बात की गई है, वर्कर की हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर और अदर एस्पेक्ट में बात की गई है। इन शॉर्ट द एक्ट इज मीन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वर्कर फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द ग्रीडी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस विद इन अ फैक्ट्री प्रेमाइसेस। अब डियर आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको कहा कि पहले तो एक्ट बनाया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, अगर हम पर्पस की बात करें, अप्रोच क्या होती है, प्रिवेंटिव अप्रोच। प्रिवेंटिव अप्रोच यानी कि कुछ गलत ना हो, मतलब कि इस एक्ट ने यह बताया कि फैक्ट्री बिल्डिंग में सेफ्टी के मेजर्स क्या होनी चाहिए, चीजें क्या होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए। यहां पे ओनर को ऑक्यूपायर बोला गया है, तो ये सारी ड्यूटी किसकी है, ऑक्यूपायर की है कि वो फैक्ट्री की वर्किंग कंडीशंस अच्छी अवेलेबल करवाए, ये उसकी ड्यूटी है या उसका ऑब्लिगेशन है, राइट। और अगर उस पे भी कुछ गलती हो जाती है, वर्कर को कोई चोट लग जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो वर्कर को क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्या उसको हर्जाना मिलेगा, वो कितने कितने अमाउंट का इस चीज के लिए क्लेम कर सकता है, मतलब कि जो ऑक्यूपायर है, जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है यानी कि जो ओनर है, वो वर्कर का शोषण ना कर पाए, वर्कर को एक्सप्लॉइट ना कर पाए, इसलिए ये एक्ट जो है वो आपका बनाया गया है, राइट। तो फैक्ट्रीज एक्ट में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए थ्री पॉइंट्स में ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट क्लियरली लिखे हैं, जो केस में बताया गया, मैंने आपको बताया कि जो भी वर्कर काम कर रहा है उसकी हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ वर्कमैन एंड अदर एम्प्लॉयज, जो भी फैक्ट्री में वर्कर और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ स्वास्थ्य सुरक्षा सेफ्टी वेलफेयर कल्याण के लिए ये जो सारी चीजें हैं वो यहां पर बताई गई हैं। दूसरी चीज और क्या इस एक्ट ने रेगुलेट किया, क्या रेगुलेट किया, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, औरतों से काम करवाया जा रहा है, यंग पर्सन से यानी कि बच्चों को इंक्लूड करके जो आपके किशोर वर्ग है उनसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कंडीशंस होंगी, उनके क्या वर्किंग आवर्स होंगे, मैटरनिटी के लिए वुमेन को लीव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि बच्चों और औरतों से कितना ओवर टाइम आप करवा सकते हो, ठीक है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए ताकि वो वैसे भी क्या है काम कर रहे हैं, उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, और उसके बाद भी आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो, जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, ऑक्यूपायर है, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, तो ये सारी चीज वुमेन और यंग पर्सन चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो भी एनुअल लीव्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं, कि वो कितने घंटे काम करेंगे, कितनी छुट्टियां वो ले सकते हैं विद वेजेस, मतलब कि छुट्टियां ले रहे हैं और उसमें उसकी वेजेस नहीं काटी जा रही है, वो क्या कैसे रूल्स होने चाहिए वो यहां पर बताया जा रहा है। और तीसरा, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फैक्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। हजार्डस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि ऐसा प्रोसेस जिससे जान और माल की हानि हो सकती है, जैसे पटाखा बनाने की फैक्ट्री है, तो अब ऑब्वियस सी बात है वहां पे जितने भी आपके जो भी मटेरियल होगा वो आपका क्या होगा, उससे आग लग सकती है, ज्वलनशील
जो मटेरियल होता है वैसा होता है आपका, ठीक है। तो आप इसको कैसा वो प्रोसेस बोलेंगे, हजार्डस प्रोसेस। बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पे केमिकल होते हैं जिससे वर्कर को की हेल्थ को हार्म पहुंच सकता है, उसको चोट लगने के चांसेस जो है वो क्या है बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हजार्डस प्रोसेस की भी बात की जा रही है। अभी हम देखेंगे कि कानून ने इसके बारे में क्या बोला, ये हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशंस में, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे डेफिनेशन में, डेफिनेशन में हम बात करेंगे फैक्ट्री की। तो यहां पे आपको इमेज में फैक्ट्री दिख रही है, जैसा कि आपका फैक्ट्री सुनते ही दिमाग में आता है कि जहां से धुआं निकल रहा हो, ब्लू कलर का टीन का शेड हो, कुछ ऐसा मतलब कि जिगजैग करती हुई जो है, मतलब कि एक बिल्डिंग है और उस पे जिगजैग करती हुई ऐसा टीन शेड लगा है, ठीक है, टीन शेड लगा है और एक चिमनी लगी हुई है, उसको ही क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। हमारे माइंड में यही आता है। लेकिन यहां पर फैक्ट्रीज एक्ट में किन किन प्रेमाइसेस को, यानी कि जगह को फैक्ट्री बोला गया, वो हम यहां पर देखने जा रहे हैं। तो यहां पे फैक्ट्री का मतलब क्या है, फैक्ट्री मींस यहां पर देखिए एनी प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस में आपको पता है बिल्डिंग आ गई, ठीक है, कोई भी जगह जिसमें कोई लैंड है, दीवार है, उसको आप क्या बोलोगे, प्रेमाइसेस बोलोगे। और इन्होंने बोला, एक टर्म यूज किया, प्रेसिंग्स। प्रेसिंग्स का मतलब क्या हुआ, प्रेसिंग्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी जगह, सपोज कोई भी एक प्लेस है, कोई भी एक प्लेस है और उस प्लेस पे छत नहीं है, केवल चारों ओर क्या है, दीवारें हैं, राइट, चारों ओर दीवारें हैं, ऊपर से वो क्या है, खुला हुआ है। अब आपने देखा होगा फैक्ट्रीज हैं, सपोज वहां प्लेन बनना है, बड़े बड़े पाइप्स बनने हैं, तो कोई जरूरी है कि वहां पे छत हो, सीलिंग हो, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे प्लेस को भी आप क्या रखोगे, फैक्ट्री में शामिल करोगे। अभी प्रेमाइसेस और प्रेसिंग्स के बारे में अभी हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, अभी इस पर स्लाइड भी है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। अभी आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि प्रेमाइसेस में यहाँ पे प्रेसिंग्स को इंक्लूड करते हुए बात कर रहे हैं, यानी कि एक नॉर्मल बिल्डिंग, उससे जुड़ी हुई लैंड, लैंड भले ही ओपन है, अगर उसके चारों ओर केवल दीवारें भी है तो वो भी आपके क्या है, यहाँ पर फैक्ट्री के डेफिनेशन में कैलकुलेट कर ली जाएगी। लेकिन फैक्ट्री के डेफिनेशन में आने के लिए ये जो बिल्डिंग होना, प्रेमाइसेस होना, या एक जगह होना क्या है, पहली कंडीशन है। दूसरी चीज, जहां पर आप उसी जगह को फैक्ट्री बोलोगे जहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, जहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये भी फैक्ट्रीज एक्ट में बताया गया। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है। आप क्या समझते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब, कि सपोज कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल डाला गया मशीन में और फिनिश गुड्स उससे बनकर निकल आया, ठीक है, तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स डिफरेंट है, ठीक है, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स एड ऑन हो गए तो फिनिश गुड्स बन पाया, इसी को आप क्या बोलते हो, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हो। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन आपके टैक्स लॉ में भी दी हुई है, जीएसटी में भी आपकी दी हुई है, लेकिन यहां पर फैक्ट्रीज एक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या माना जाएगा, ये हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के डेफिनेशन में दिया हुआ है, सेक्शन 2 में दिया हुआ है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट में जब जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की जाएगी तो हम उसका मतलब वो लेंगे जो कि फैक्ट्रीज एक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डेफिनेशन में बोला गया, ठीक है। तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डेफिनेशन काफी इंक्लूसिव है, केवल ये नहीं है कि आपने रॉ मटेरियल डाला। अब यहां पे अब एक बात बताइए, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, आप फाउंडेशन में एडमिशन लेते हैं और आप फाइनल पास करके स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है,
प्रोफेशनल बन जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। फाउंडेशन में हम थे तो हमारी नॉलेज कम थी, प्रोफेशनल हमने पास कर लिया, फाइनल हमने पास कर लिया, तो हमारी नॉलेज वैल्यू एडिशन हो गया, हमारी नॉलेज क्या है बढ़ गई। तब तो इस तरीके से यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी क्या बोला जाना चाहिए, फैक्ट्री बोला जाना चाहिए। नहीं डियर, ये फैक्ट्री की कैटेगरी में नहीं आता है। अभी हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा आपको सब्र रखने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं। जब ये सारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं आपको चीज़ों को दिखा रही हूँ आप थोड़ा वैसे वैसे समझते जाइए, पूरी पिक्चर अभी आप देखेंगे, देन आपको पूरा एक्ट जो है वो क्लियर होगा। मेरा मानना यह है कि लॉ अपने आप में एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, राइट, जिसको जो लिखा है हमें बस उसी को क्या है समझना है, राइट, और बिल्कुल सीधी सीधी बात करता है ये। तो इन्होंने बोला पहला कंडीशन क्या बोला कि प्रेमाइसेस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन इन्होंने क्या बोला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर कौन रहा है। तो यहां पे दो कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी में इन्होंने बोला 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं, 10 या 10 से ज्यादा अगर किसी प्रमाइसेस में लोग हैं, व्हेन वर्किंग विद द एड ऑफ पावर, जहां पे पावर का प्रॉपरली यूज किया जा रहा है, ठीक है, बिजली का प्रॉपरली यूज किया जा रहा है और वहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्री की डेफिनेशन में ला देंगे। अब यहां पे सवाल उठता है कि 10 या 10 से ज्यादा लोग कब हैं। तो डियर सपोज हम गए फैक्ट्री चेक करने, ठीक है, वहां पे पावर का यूज था, वहां पे जो है 12 लोग काम कर रहे थे, ठीक है, वहां पे जो 12 लोग काम कर रहे थे उसमें से 4 जो थे वो परमानेंट वर्कर नहीं थे, बस उनको टेम्परेरी बेसिस पे रखा गया था, लेकिन जब हम चेक करने गए तो वहां पे 12 लोग थे, यानी कि वहां पर फैक्ट्रीज एक्ट लग गया। मैं ये मानकर चल रही हूं क्योंकि वो जगह एक प्रेमाइसेस थी, ठीक है, दूसरा वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा था, तीसरा वहां 10 से ज्यादा लोग, 10 या 10 से ज्यादा लोग यानी कि 12 लोग जो थे वो काम कर रहे थे, लेकिन जिसमें से 4 लोग टेम्परेरी वर्कर थे और वो फिर बाद में जो है वो जॉब नहीं करेंगे। लेकिन डीए जब मैं वेरीफाई करने गई तो 12 लोग थे, यानी कि उनके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट लग गया, राइट। या ये भी हो सकता है कि जब मैं वेरीफाई करने गई कि उनके ऊपर फैक्ट्री एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, उस समय वहां पे केवल जो है 8 वर्कर काम कर रहे थे, लेकिन मैंने उस फैक्ट्री के मालिक से, ठीक है, सपोज यहां पे आपका 10th of January 2019 है, ठीक है, 10th of January 2019 को हम चेक करने गए और 10th of January 2019 को वहां 8 वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन हमने साल भर का रिकॉर्ड्स मंगवाया, ठीक है, स्टाफ से, तो हमने देखा कि 11 जनवरी 2018 से लेकर 10th of January 2019 तक का रिकॉर्ड चेक किया और बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा था सपोज दिसंबर में जब उनके यहां 15 वर्कर काम कर रहे थे। कितने वर्कर्स काम कर रहे थे? 15 वर्कर्स काम कर रहे थे। तो इसका मतलब साल के किसी भी दिन बीच में अगर नंबर ऑफ वर्कर्स, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, उनकी संख्या 10 या 10 से ज्यादा हो जाती है, राइट, 10 या 10 से ज्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब उस फैक्ट्री में, उस प्रमाइसेस में आपका फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, आपका फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा साल में किसी भी दिन। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ दिन काम किया, हफ्ते भर काम किया, 2 दिन काम किया, उसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, वापस 10 से नीचे क्या हो गए, वर्कर हो गए। लेकिन जैसे ही 10 या 10 से ज्यादा वर्कर होंगे
उस फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद भले ही वो वर्कर काम छोड़ देते हैं, संख्या 10 से नीचे चली जाती है, अगर एक बार फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो गया, इट मींस अब वो एप्लीकेबल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वो एक्ट जो है वो हट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, कम हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? तो विद द एड ऑफ पावर में ये नंबर मैंने आपको एग्जांपल दिया है 10 का, ठीक है। अगर फैक्ट्री में वर्किंग जो है विदाउट एड ऑफ द ऑफ पावर हो रही है, मतलब कि उसमें पावर का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, तो वहां पे ये संख्या फैक्ट्रीज एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के लिए 20 और मोर पर्सन की हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो आपने यहां पे देखा कि कानून ने, लॉ ने, अगर कोई फैमिली मेंबर्स ही मिलकर छोटा सा काम कर रहे हैं, अब ऑब्वियस सी बात है अगर एक घर में एक छोटी सी झोपड़ी में लोग मिलकर काम कर रहे हो, झोपड़ी भी आपके किस में आ जाएगी, प्रमाइसेस के डेफिनेशन में आ जाएगी, काम ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ रहा है। थर्ड कंडीशन आपने कहा 10 या 10 से ज्यादा लोग, ठीक है, सपोज घर में लोग काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, वहां पे पावर का यूज नहीं हो रहा है, हाथ से काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नंबर ऑफ पर्सन क्या है, कम है, ठीक है, फैमिली के अपने लोग जो है काम कर रहे हैं, तो वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपने ये समझा, यानी कि छोटी जगह छोटा काम चल रहा है तो वो नहीं आएगा इस कानून के दायरे में, ठीक है, उनको फ्रीडम दे दी गई। अब बेचारे एक छोटा सा परिवार जो है काम कर रहा है, ठीक है, उस पर भी आप कानून लगा दे रहे हो, तो वहां पे उनको फ्री छोड़ दिया गया। जहां पे तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, एक प्रेमाइसेस है, इंक्लूडिंग प्रेसिंक्स की बात कर रहे हैं, प्रेसिंक्स का मतलब एक खुला हुआ स्पेस भी है, भले ही चार दीवारी से क्या है घिरा हुआ है, अभी इसके बारे में हम केसेस भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। प्रेसिंक्स जो है इंक्लूडिंग प्रेसिंक्स, जहां पे कहीं, दूसरी कंडीशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, 10 या 10 से लोग, इन द केस ऑफ जब वहां पे पावर का यूज क्या है किया जा रहा है, अगर पावर का यूज नहीं किया जा रहा है तो 20 या 20 से ज्यादा लोग, अगर ये तीन कंडीशन पूरी होती है, ठीक है, साल के दौरान कभी भी इनकी संख्या 10 या 10 से ज्यादा इन द केस ऑफ पावर यूज और अदरवाइज जो है 20 या 20 से ज्यादा, साल के पूरे साल के दौरान एक दिन भी अगर ये नंबर वहां पे वर्कर्स का हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे फैक्ट्री एक्ट अप्लाई हो जाएगा, फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और एक बार फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई हो गया, भले ही वर्कर के नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, वो फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो नहीं हटेगा, वो एज इट इज वहां पर क्या है लगेगा, अप्लाई होगा, राइट। तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स लगे हैं, जहां पे ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, वहां पर ये एक्ट जो है वो लागू हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि क्या बोला गया है। तो लॉ में आपके सेक्शन 2 क्लॉज एम में ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है। अब यहां पर देखिए कि फैक्ट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्री इंक्लूड्स एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रिसिंक्स, ठीक है, प्रेमाइसेस। अब सबसे पहली बात कि फैक्ट्री इंक्लूड्स एनी प्रेमाइसेस, ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है, वो सारे टाइप की फैक्ट्री पे लगता है, ऑल, यहां लाइन्स आ जा रही हैं थोड़ी सी, सारे टाइप की फैक्ट्रीज पे लगता है, ऑल फैक्ट्रीज पे जो है वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ऑल फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल होता है। अब ये फैक्ट्री का मतलब यहां पर, अब सब जगह फैक्ट्री का अगर आपको कोई एग्जाम में एमसीक्यू आया है, सिनोनिम्स दिया हुआ है, तो आपको वहां पे टिक नहीं करना है, ठीक है, आपको फैक्ट्रीज एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा, फैक्ट्री जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, ऑल फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल होगा। फैक्ट्री का मतलब क्या है वो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे फैक्ट्री नहीं है
कोई भी नॉर्मल बिल्डिंग है जो हमारे फैक्ट्री के डेफिनेशन में जो चीज नहीं आएगी, यानी कि जो अभी आपने तीन कंडीशन पढ़ी उनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, सब कोई भी बिल्डिंग है, आप घर में बैठे हो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां प्रेमाइसिस तो है डियर, ठीक है, आपकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, मे बी 20 से ज्यादा लोग हो, ठीक है, लेकिन वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो क्या आप उसको फैक्ट्री बोल दोगे? आंसर है नहीं, राइट? तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्रेमाइसिस होना चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए, एंड 10 या 10 से ज्यादा जब आप पावर यूज कर रहे हो, अदरवाइज अगर पावर का यूज नहीं है, 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स हो, इसमें क्या लिखा, 20 या 20 से ज्यादा क्या हो, वर्कर्स हो, और वर्कर की भी डेफिनेशन अभी आपके फैक्ट्रीज एक्ट में दी हुई है, यानी कि आप देख रहे होंगे कि फैक्ट्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्कर की डेफिनेशन भी हमें देखनी होगी कि, क्योंकि यहां पे आ रहा है कि वर्कर, तो वर्कर आप किसे बोलोगे? अब वहां अगर फैक्ट्री में एक पार्टनरशिप फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चला रही है, और फैक्ट्री के अंदर एक पार्टनर भी बैठा हुआ है, बिजनेस का एक पार्टनर भी बैठा हुआ है, तो क्या आप गिनती में उस पार्टनर को भी शामिल कर लोगे? क्या वो वर्कर की कैटेगरी में आ जाएगा? क्वेश्चन है, केसेस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी हमें डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन, उसके बाद आपके लिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसे बोलते हैं, क्योंकि मैंने कहा काफी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं वो तो है ही मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा भी यहां चीजों को शामिल किया गया है, उसके अलावा फिर वर्कर की डेफिनेशन हमें देखनी है कि वर्कर में कौन कौन आता है, फिर अगर गलती करता है किसके ऊपर, प्रिवेंटिव अप्रोच किसके ऊपर लगाई गई है, ओनर ऑक्यूपायर के ऊपर लगाई गई है कि उसको क्या क्या, उसकी क्या क्या ड्यूटीज है, राइट, और अगर कुछ होता है तो लेबर को क्या हर्जाना देगा, कैसे लेबर उसके अगेंस्ट जो है क्लेम कर सकते हैं, ये सारी चीज, यानी जूते चप्पल किसको खाने अगर एक्ट फॉलो नहीं हुआ ऑक्यूपायर को, तो डियर ऑक्यूपायर किसे बोलेंगे, ये भी हम देखेंगे। तो ये जो है काफी मेन डेफिनेशंस हैं जिसको पढ़ने के बाद ही हम एक्ट के बारे में बात करेंगे, तो अभी तो हम किस फेज में, डेफिनेशन के फेज में है, राइट। तो यहां पे ये चीज हम देख चुके हैं, वो चीज मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज में दिखा रही हूं, सेक्शन 2 क्लॉज एम, जो अभी हम चार्ट के फॉर्म में पढ़ रहे थे वही चीज लिखी है, वेयर ऑन 10 और मोर वर्कर आर वर्किंग और वर वर्किंग On any day of the preceding 12 months, मैंने कहा last साल भर में किसी भी एक दिन, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है definition में, on any day of the preceding 12 months, ठीक है, and in any part of which a manufacturing process, अभी हमने देखा कि क्या होनी चाहिए, manufacturing process होना चाहिए, ऊपर पहली condition की बात की, premises including precincts, ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी तीसरे नंबर पे जो हमारी चार्ट में कंडीशन थी वो यहां पर आ गई है, 10 और मोर वर्कर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के एक भी दिन अगर 10 या उससे ज्यादा वर्कर हो जाते हैं, ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या देखी, एक कंडीशन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो वहां पर क्या है, हो रही है, और क्योंकि 10 और मोर वर्कर की बात कर रहे हैं, यानी कि विद द एड ऑफ पावर। अब दूसरे भी पॉइंट में यही सेम लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर किसकी बात की जा रही है, विदाउट द एड ऑफ पावर, और 10 वर्कर की जो संख्या है, 10 और मोर वर्कर की, वो रिप्लेस हो गई है 20 और मोर वर्कर से। तो ये आपके बेयर एक्ट में लैंग्वेज लिखी हुई है जहां फैक्ट्री की डेफिनेशन बताई गई है, राइट। अब यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको साफ साफ बोल दिया गया कि ये फैक्ट्री के अंदर कवर नहीं होंगी, फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएंगी, वो कौन सी चीजें हैं, तो देखिए यहां पे कौन सी चीजें हैं, पहली चीज रेलवे रनिंग शेड्स। रेलवे रनिंग शेड्स आप जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जहां पे रेलवे के डिब्बों की धुलाई होती है,
ठीक है, उस जगह को जहां पे रेलवे के डिब्बों की धुलाई वगैरह होता है, मेंटेनेंस होता है, उस जगह को आप क्या बोलते हो? रेलवे रनिंग शेड्स। अब आपको पता है रेलवे तो अपना सेपरेटली बिल्कुल चलता है, रेलवे की मिनिस्ट्री अलग है, इसका कानून ही क्या है अलग है, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज को हटा दिया। दूसरा, अभी हम बात कर रहे हैं माइंस, माइंस यानी जमीन के नीचे की बात कर रहे हैं, उसके लिए कानून अलग है। जैसा आपको पता होगा कि वाटर के लिए मरीन अलग लॉ होता है, एयर के लिए अलग लॉ होता है, जमीन के लिए अलग लॉ होता है, माइंस का अपना एक क्या है, सेपरेट लॉ ही है, ठीक है। अब बात करें मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यहां पे डियर मोबाइल का मतलब आपका वो जो सेलफोन है उसकी बात नहीं की जा रही है, मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्स का मतलब जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी सेना है, ठीक है, उसकी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बटालियन जो होती है उसको हम बोलते हैं मोबाइल यूनिट्स। उनके लिए भी आपको पता है कि मिलिट्री के लॉ ही अलग होता है, उनका अपना अलग ही चलता है। हम जो पढ़ रहे हैं ये सिविलियन लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये फैक्ट्री की जो डेफिनेशन है अप्लाई नहीं होगी। और फोर्थ वन क्या बोला, होटल्स, ईटिंग प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स पे आपकी फैक्ट्री की डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। ये वाला पोर्शन अभी मैंने आपको बताया फैक्ट्रीज एक्ट कहाँ अप्लाई होता है, फैक्ट्रीज पे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, नंबर ऑफ वर्कर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं और आपके एग्जाम में डिटेल्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। ये वाला पोर्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी चीज है जो फैक्ट्री की डेफिनेशन में एक्सक्लूड कर दी गई है, वो चीज आपको यहां पर देखनी है, राइट। आगे हम देखते हैं, और अब हमने क्या क्या एसेंशियल क्या क्या देख लिया, एसेंशियल आपको समझ में आ गया होगा एक बार यहां डिटेल में है कि हम क्या क्या चेक करेंगे कि कोई जो प्रेमाइसेस है वो फैक्ट्री कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वो प्रेमाइसेस होना चाहिए इंक्लूडिंग प्रिसिंक्ट्स, राइट। दूसरा, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में अभी हम देखेंगे कि यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट में किस किस चीजों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला गया है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। कम से कम वर्कर वहां कितने होना चाहिए, 10 या मोर वर्कर होने चाहिए। विद द एड ऑफ पावर की जब हम बात कर रहे हैं, विद द एड ऑफ पावर की जब हम बात कर रहे हैं, और 20 और मोर विदाउट द एड ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। या तो इंप्लॉयड हैं करेंटली जब हम चेक करने जा रहे हैं, और जब हम चेक करने जा रहे हैं उसके 12 महीने पहले में किसी भी एक दिन अगर जो है, ये वाली लाइन काट दें क्योंकि ऊपर ही लिखा है, 12 महीने में किसी भी एक दिन अगर वो जो है 10 या 10 से ज्यादा अगर पावर का यूज किया जा रहा है, अगर पावर का यूज नहीं किया जा रहा है तो 20 या 20 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयड थे, ठीक है, तो वो चीज आपके फैक्ट्री में आ जाएगी। और ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तीनों पूरी होगी तभी वो प्रमाइसेस फैक्ट्री कहलाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट। तो अगर आपको कोई भी केस बनकर आता है तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। अब डियर हम यहां पर केसेस देखने जा रहे हैं। केसेस में देखिए, सबसे पहले यहां पर इन्होंने ये बोला कि क्लैरिटी लाई, अभी आपने एसेंशियल पॉइंट्स जो हैं आपने पढ़े थे, अब देखिए यहां पे सीलन राज वर्सेस प्रेसाइडिंग ऑफिसर एडिशनल लेबर कोर्ट चेन्नई का क्या जजमेंट आया कि इट वॉज हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एम फैक्ट्री मीन्स एनी प्रमाइसेस, पढ़ लिया हमने, इंक्लूडिंग द प्रेसिंग्स देयर ऑफ इन विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन, जैसा कि अभी लिखा है आपके सेकेंड पॉइंट में, राइट, सेकेंड एक्सप्लेनेशन, सेकेंड ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज एम में सेट्स आउट दैट मियर द फैक्ट, अब यहां पर देखिए क्या जजमेंट दिया गया, मियर द फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और अ कंप्यूटर यूनिट इज इंस्टॉल्ड इन एनी प्रमाइसिस और पार्ट देयर ऑफ वुड नॉट रेंडर अ यूनिट इन टू फैक्ट्री इफ नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन इन सच प्रमाइसिस और पार्ट देयर ऑफ। मतलब कि यहां पर क्या चीज बोली जा रही है, देखिए बहुत आपको क्योंकि केसेस आ सकते हैं, राइट, तो आपको फैक्ट ध्यान देने कि क्या जजमेंट आया और क्या बोला गया। इन्होंने कहा कि एक प्रमाइसिस है, हमने कहा ठीक है प्रमाइसिस हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स की बात की, नंबर ऑफ वर्कर्स वाला भी पॉइंट हो गया,
ठीक है, टिक हो गए दोनों जो पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ वहां पे जो है कंप्यूटर रखे हुए हैं, 2-3 लैपटॉप रखे हुए हैं, 2-3 कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो वहां पे अगर कोई काम हो रहा है कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, तो क्या आप उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोल दोगे? क्या आप उसको फैक्ट्री की डेफिनेशन में ला दोगे? तो आंसर है नहीं। केवल अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जहां पे हम डेटा प्रोवाइड करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है, हम केवल कंप्यूटर पे वहां पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपका कंप्यूटर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, राइट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि डेटा को किसमें कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, आपने आईटी में पढ़ा होगा। तो इस चीज को हम यहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं बोलेंगे, केवल इसलिए कि वहां पे कंप्यूटर्स जो हैं या लैपटॉप्स जो हैं उस प्रमाइसेस में रखे हुए थे। अगर आपको उसको फैक्ट्री की कैटेगरी में लाना है तो वहां पे प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि अगर केवल कंप्यूटर रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखी है, तो हम उस बेसिस पे नहीं बोल सकते कि यार डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। केवल कंप्यूटर रखे जाने से कोई प्रमाइसेस जो है वो फैक्ट्री नहीं बन जाएगा, ये यहां पे जजमेंट दिया गया। तो आप देखेंगे कि हर एक केस में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, फिर जजमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो हमें उन फैक्ट्स और चीजों को देखना है, ठीक है, और एनालाइज करना है। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको कहा था कि अभी प्रमाइसेस एंड प्रेसिंक्ट्स के बारे में एक स्लाइड आएगी, तो यहां पे देखिए प्रमाइसेस एंड प्रेसिंक्ट्स में क्या लिखा गया। प्रमाइसेस मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी ओपन लैंड और लैंड विद बिल्डिंग और केवल बिल्डिंग हो, चाहे मतलब कि प्रमाइसेस में सब कुछ आ गया, कोई भी प्लेस, कोई भी स्थान जहां केवल जमीन है, ठीक है, या जमीन के साथ कोई बिल्डिंग है, या खाली जमीन नहीं है, केवल क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। अब प्रेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रेसिंग का मतलब सराउंडिंग, चारों ओर या उसके बगल में, ठीक है, कोई भी स्पेस है जो कि चार दीवारी से घिरा हुआ है, अभी हमने बात की थी, ठीक है, या कोई भी एरिया, खुला एरिया है, बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग के पास जो है एक खुला एरिया है, यहां पे एक खुला एरिया है, ठीक है। तो ये खुला एरिया जो है ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? ये आपके किस में आ जाएगा? प्रेसिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि खुला एरिया केवल बिल्डिंग ही फैक्ट्री का पार्ट है, ये जो बिल्डिंग के आसपास जो खुला एरिया है ये बिल्डिंग का पार्ट नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। या यहां पर बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के चारों ओर खुला एरिया था और यहां बस एक चार दीवारी जो है उठा दी गई थी और इस खुले एरिया में भी जो है वर्कर जो है कुछ प्रोसेस कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, तो आप कहोगे नहीं, फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर वर्कर है तो उसको हम फैक्ट्री बोलेंगे, इसको हम फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है, और इस खुले एरिया को हम फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। आप इसको भी फैक्ट्री के डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे, क्योंकि वहां साफ साफ लिखा है, क्या लिखा हुआ है, प्रमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। आगे देखिए क्या लिखा है, फॉर मोर क्लैरिटी वी कैन से देयर मे बी सम प्रमाइसेस विद और विदाउट प्रेसिंग, ठीक है, कुछ प्रमाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, जो जिसमें प्रेसिंग हो या ना हो, भाई खाली जमीन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फर्दर प्रमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द प्रमाइसेस मस्ट ऑलवेज हैव प्रेसिंग्स, मतलब कि आपको ये मतलब डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है प्रमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग, उसका इंटरप्रिटेशन आपको ये नहीं करना है कि हमेशा प्रमाइसेस के साथ जो है प्रेसिंग होना ही चाहिए, ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। प्रमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग का मतलब ये हुआ, केवल आपकी बिल्डिंग हो सकती है, मे बी आपके पास खाली जमीन ना हो, उसको भी आप फैक्ट्री के डेफिनेशन में लाएंगे, राइट। तो ये क्लैरिटी यहां पर आपको दी जा रही है। केसेस और देखते हैं, अब देखिए एक केस क्या है, केस को पढ़ने से पहले मैं आपको ऊपर समझा दूं। सपोज ये आपका समुद्र है, राइट, यहां पे इस केस में आप देखेंगे एक सी के, अभी केस मत पढ़िए, आप पहले समझ लीजिए, थोड़ी सी लाइंस आ रही हैं वर्टिकल में, उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो ये आपका सी वाटर है, राइट,
अब आपको पता है कि सी के बगल में क्या होता है, किनारा होता है। सी में बड़ी बड़ी क्या आती है, वेव्स आती हैं। तो यहां पर जब वेव्स किनारे पे आती हैं तो अपना कुछ ढेर, कुछ बालू टाइप का जो है, अपना कोई ठोस पदार्थ, ठोस मटेरियल जो है यहां पर छोड़ जाती है, राइट। अब इस यहां पे आप देख रहे हो कोई खुला स्पेस है, सी के किनारे भाई खुला स्पेस है, वहां कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पे पानी है, तो कोई बिल्डिंग वहां पे एकदम पास में किनारे पे, सी के समुद्री किनारे पे जो है बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी, ठीक है, जो सी साइट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो आपने वर्कर्स लगाए जो इस ढेर को प्रोसेस करके समुद्र के पानी से सॉल्ट बना रहे हैं, और यहां से इसको प्रोसेस करके जो भी सॉल्ट है वो फैक्ट्री में ले जा रहे हैं और उससे सॉल्ट बना रहे हैं। तो क्या इस प्लेस को आप फैक्ट्री के डेफिनेशन पे इंक्लूड करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, ओपन स्पेस है। तो देखिए यहाँ जजमेंट क्या दिया गया, अर्देशिर एच भिवंडी वाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इनके केस में क्या बोला गया, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लेजिस्लेचर हैड नो इंटेंशन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वर्कर्स एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन अ बिल्डिंग एंड दोज एंगेज इन सच प्रोसेस ऑन एन ओपन लैंड। अलग, जो वर्कर्स जो है बिल्डिंग में काम कर रहे हैं उसको आप फैक्ट्री की डेफिनेशन में लोगे, और जो ओपन लैंड में काम कर रहे हैं उनको आप फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं लोगे, ऐसा नहीं है, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो इंटेंशन टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्कर्स इंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन अ बिल्डिंग एंड दोज इंगेज इन सच प्रोसेस ऑन एन ओपन लैंड एंड हेल्ड दैट, क्या जजमेंट दिया गया, सॉल्ट वर्क्स इन विच द वर्क डन इज ऑफ कन्वर्जन ऑफ सी वॉटर इन टू क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट कम विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेमाइसिस। मतलब कि ये जो ओपन स्पेस में वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, इन वर्कर को भी आप फैक्ट्री के डेफिनेशन में काउंट करोगे और ये भी आपके प्रेसेंट के दायरे में आएगा। ये जजमेंट यहां पर दिया गया इस केस में, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हम यहां पर देख चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे हम एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, वेयर सेवन वर्कर्स वर एम्प्लॉयड इन अ प्रेमाइसेस वेयर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टडी इनटू राइस बाय मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर है तो आपका कौन सा केस लग गया, पावर का यूज हो रहा है आपका, 10 वर्कर 10 और उससे ज्यादा वर्कर का केस लग गया, ठीक है। प्रेमाइसेस है, पहली कंडीशन आपके फुलफिल हो रही है, ठीक है। सेवन वर्कर काम कर रहे हैं, वॉज कैरिड ऑन एंड इन सेम प्रेमाइसेस, वही 7 वर्कर के साथ 3 और लोग हैं, 3 पर्सन वर्क जिनको टेम्परेरी इंप्लॉयड किया गया है, और उनका काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका काम क्या है, रिपेयर्स ऑफ पार्ट ऑफ मशीनरी, मतलब कि जो मशीनें वहां पे, ये जो आपकी मशीन लगी हुई है उनके रिपेयरिंग का काम है इन 3 बंदों के पास, और टोटल वर्कर आपके कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। और इनको रखा गया है कि जैसे ही मशीन खराब होती है, कोई दिक्कत आती है, तो 3 लोग जो है मशीन को जाकर सही कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। विच हैड गॉन आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि खराब हो जाती है मशीनें, बट द मैन्युफैक्चरिंग वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट सिंस 3 temporary persons were workers. Consequently, there were 10 workers working in the premises. तो premises किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, फैक्ट्री, राइट। तो ये जो 3 पर्सन को भी लगाया गया, वर्कर्स को लगाया गया जो कि रिपेयरिंग कर रहे हैं मशीन की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं है, जब आप 10 नंबर काउंट करोगे तो आप इनको भी क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, राइट। तो आपको केसेस पढ़ने हैं, केसेस में जो जजमेंट आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, केस बनाकर दिया जा सकता है, तो आपको यहां पे देखना है।
तो यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए भी भले ही बंदे आए हैं, राइट, उनको भी आप किस में काउंट करोगे? आप उनको भी वर्कर्स में, 10 वर्कर्स की काउंटिंग में काउंट करोगे? अभी हम वर्कर की डेफिनेशन भी डियर देखेंगे, राइट. तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, राइट. तो यहां पर आपकी जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है वो फिनिश होती है. इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में. ऑलराइट, थैंक यू.